तो आज है हमारा डे टू। तो आज का दिन की शुरुआत कुछ ऐसा है कि ये हमारा रूम है, इसमें बहुत सारा काम है, सफाई वफाई करना है, किचन, टॉयलेट, बेडरूम सब कुछ, और मेरा सेटअप वगैरह रेडी करना है, बहुत सारा काम है। तो जोखिम भरा काम होगा और बहुत मेहनत करना होगा, घरेलू काम जिंदगी में कभी नहीं किया है, आपके साथ रह के आज करने वाला हमारा। आप देखिए कि एक बैचलर, एक लड़का, दो लड़का मिलके कैसे ये सब काम कर लेते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के। आप अभी आप मेरे हाथ में चम्मच देख रहे हो क्योंकि अभी चाय बनाना है और ये जरूरी है भाई, दिन की जो स्टार्टिंग है ना वो चाय की चुस्के के साथ होनी चाहिए। तो अभी चलिए आइए चाय बनाना सिखाते हैं आपको मेरे स्पेशल चाय। तो आज का दिन का शुरुआत ही बैडलक से हुआ, तो पता तो चल गया कि पूरा दिन आज जोखिम भरा होने वाला है। तो हमने नया टंकी लगा दिया है सिलेंडर का, अभी चाय पीते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या कार्यक्रम होगा हमारा। तो चाय होने के बाद ही मिलते हैं। तो चाय रेडी है, चुस्की लेके आपको बताते हैं कि कैसा हुआ। एकदम परफेक्ट, सिर्फ चीनी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बाकी सब एकदम परफेक्ट हुआ है, करक बरक एकदम ठीक है। तो चाय को एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चीयर्स। तो चाय वाय पीना सब खत्म हो चुका है, तो ये मेरा रूम है, अभी जैसे देख सकते हो इसको अभी रहने लायक बनाना है, फर्श वगैरह क्लीन करना है और सब कुछ झाड़ू पोछा लगा के सब सफाई करके इसमें सेट होना है। तो चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं भाई, क्या होने वाला है हालत पता नहीं, लेकिन ट्राई तो करते हैं। तो हालत देख के कुछ कमेंट मत करना, बालों का हालत, शरीर का हालत एकदम खास्ता होके रखा है यहाँ पर, पूरा खराब, दिखाने लायक है ही नहीं। तो कल जैसे कि हम लोग यहाँ पे मेरे रूम पे वायरिंग का काम कर रहे थे, तो तब ऑलमोस्ट वो सब हो चुका है, अभी हमको सिंपली अपना कंप्यूटर जो है वो सेटअप करना है। अभी जैसे कि देख सकते हो मेरा रूम है, ये ऑलमोस्ट सब चीजें यहाँ पे सेट है, गंदा होकर रखा है थोड़ा, मतलब मैसी, लेकिन मैसी नहीं है। तो यहाँ पर सारे चीजें पैक है, मेरे जितने भी पीसी के कंपोनेंट वगैरह सब पैक है, तो इनको सब कुछ मेरे को अभी रीअसेंबल करना होगा और सब कुछ लाइटिंग वगैरह, पीसी, मॉनिटर, सेटअप, जितने भी प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड है सब कुछ लगाना होगा और बेसिकली थोड़ा रूम को नॉर्मल, मतलब काम करने लायक, एडिटिंग करने लायक बनाना होगा। और अभी जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 फ्रेम सेट कर दिया था जैसे कि मेरे घर पे था, और प्ले बटन का पोजिशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमने लगाया, सोचा इसके आजू बाजू हम लोग कुछ लाइटिंग लगा देंगे। और ये मेरा घर का टेबल, कंप्यूटर टेबल, तो सारा सामान है, तो इसको हम सब कुछ पूरा एकदम सेट करेंगे। तो अभी सब कुछ आप टाइमलेस पे एंजॉय करिए। तो अभी आपने जो देखा सेटअप,
आई नो मेरे घर जैसा नहीं है, उसका 50% भी नहीं होगा ये रूम, अभी इससे ही काम चलाना होगा। ये मेरा प्रॉपर यहाँ का सेटअप टूर या फिर सेटअप वीडियो या मेरा सेटअप कुछ भी ऐसा नहीं था, जस्ट मैंने एक अपना एडिटिंग करने लाइक, वीडियोस बनाने लाइक स्पेस बनाया है, वही एक अपडेट दी इस ब्लॉग के जरिए। और मैंने बहुत कुछ सीखा कि बाहर रह के कैसे काम करना होता है, पूरा रूम झाड़ू लगाया, पोछा मारा, चाय बनाया, खाना खुद से बनाया, दाल चावल वो खाया अभी कुछ देर पहले ही, दोपहर को बाहर खाया था, वो शूट वगैरह नहीं कर पाया क्योंकि पूरा टाइम खाना खाया, शाम को जाके खाना खाया था दोपहर का, और जो डिनर होता वो अभी थोड़ी देर पहले किया, दाल चावल बना के मम्मी को फोन करके कि कैसे बनाना होता है ये सब सीखा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि आप भी इससे इंस्पायर हो और कभी भी अपने लाइफ में निराश ना हो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, अभी बहुत अच्छा सेटअप बनाया था, लेकिन उसको छोड़ के भी यहाँ के वीडियो बनाने का क्या ही। आप बहुत सारे लोग बोल सकते कि व्लॉगिंग करना है, वहाँ पे कंटेंट नहीं है, ये वो भी रीजन बोल सकते हो, लेकिन अलग जगह जाके अपना खुद का सेटअप बना के वीडियो पर फुल्ली फोकस होना था। और आप भी शायद से देख पा रहे हो कि मैं वीडियो थोड़ा सा कंसिस्टेंटली डाल पा रहा हूँ, यहाँ पे घर पे होता हूँ तो थोड़ा सा वो लग जाता है, सोना बोना घूमना ये मतलब वो आदत रह जाता है कि बहुत आलसी बन जाता हूँ, लेकिन बाहर वो सब नहीं होता। सो वही आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, उतना कुछ दिखा नहीं पाया खाना बनाना वगैरह क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, बहुत ज्यादा टायर्ड था, पूरा रूम सफाई किया, ये सब सेटअप किया, तो उस समय बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आपको ऐसे ब्लॉग्स कैसे लग रहा है। और कल हम एक इंटरेस्टिंग प्लेस पे जा रहे हैं जिसको आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मेरा ब्लॉग में आपको अलग ही मजा आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। कल मिलते हैं एक नए प्लेस पर नए ब्लॉग के साथ। सो वही पीस।